हेलो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना होगा ध्यान से देखिएगा। सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको फ्री जॉब अलर्ट ये वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब फ्री जॉब अलर्ट वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो उसके बाद में आपको वहाँ पर यहाँ जो दे रखा है एग्ज़ाम रिजल्ट साइड में यहाँ, तो उस पर क्लिक करना है। देखो मैं सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी आप गूगल पे टाइप करोगे तो अलग अलग वेबसाइट में जाओगे, आसानी से नहीं निकलने वाला है। वेबसाइट भी बिजी होगी बहुत सारा, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है एग्ज़ाम रिजल्ट, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा ये वाला रिजल्ट, बैंक एग्ज़ाम का रिजल्ट जो दे रखा है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ लिखा है HPSCB, यही है HPSCB। तो यहाँ जब आप गेट डिटेल के बारे में ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे नीचे यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ देखिए यहाँ जो दे रखा है ये सारे के सारे रिजल्ट है इसके बारे में। फाइनल रिजल्ट फॉर SI नंबर 01, मेंस रिजल्ट, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ये सारे का सारा अभी तक आपका जितना प्रोसेस हुआ वो सारा का सारा यहाँ दे रखा है। तो आपको कौन सा रिजल्ट इसमें से निकालना है, मेंस रिजल्ट, रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट, तो इसमें जो दे रखा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अनरिजर्व्ड पे, तो अनरिजर्व्ड पे जैसे ही क्लिक करूँगा वो सारे के सारे लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप अपना रोल नंबर, नाम वगैरह सर्च कर सकते हो, रोल नंबर इसमें सर्च कर सकते हो आप अपना। तो ये देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर से, यहाँ आप रजिस्ट्रेशन नंबर से आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। और दूसरा अगर इस पे चेक करना है, जैसे कि यहाँ देख रहे कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज चेक करना है तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो अलग लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी कैटेगरी वाइज वाली। ये देखिए यहाँ ये कैटेगरी वाइज डाउनलोड हो जाएगा यहाँ, ये देख लीजिए। यहाँ पर आप अपना नाम ऊपर ऊपर, या जब नाम डालोगे आप यहाँ तो आपका आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ हॉरिजेंटल्स पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। और यहाँ मेंस रिजल्ट है इस पे, मेंस वाला दे रखा है, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट वगैरह ये सब। तो जो भी कैंडिडेट देखना चाहते हो तो वहाँ यहाँ से देख सकते हो।